वो खिलाड़ियों के साथ खड़े होते हैं, अच्छी बात है, खड़े भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी खिलाड़ियों का इसमें कोई दो राय नहीं है, शोषण होता है इसमें दो राय नहीं है, लेकिन हर केस की अलग अलग मेरिट होती है। अब जैसे यहाँ पर जो मेरा ये भी कहना है कि जो खेल मंत्री हैं भारत सरकार के श्री अनुराग ठाकुर जी, उनके पास खेल के लिए समय नहीं है, बहुत साफ साफ कहते हैं, वो एक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसी में डूबते उतराते रहते हैं, खेल के लिए कोई समय नहीं है। कि हर केस का अलग अलग मेरिट होता है। सांसद श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, हालांकि मेरी पार्टी के नहीं है, लेकिन जो किसी से इंटरेक्शन होने पर 5 बार 10 बार 20 बार तो आप उसके बारे में काफ़ी जान जाते हैं। उनका जो कुछ भी हो, लोग कहते हैं मसल पावर है, ये है वो है, वो हो सकता है, लेकिन जहाँ तक उनके चरित्र संबंधी है उसके मैं तो कोई उससे इत्तफाक नहीं रखता। जिस तरह से खिलाड़ी मेहनत करता है, जी जान लगाता है पदक के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसी तरह से खेल संघ का जो ये प्रेसिडेंट है, ये है, उससे कम जी जान नहीं लगाता है होने के लिए। और एक बड़ा फंडामेंटल नियम है कि जब कोई जांच होती है तो लोग कहते हैं कि ही शुड स्टेप डाउन, क्यों, जिससे वो जांच को प्रभावित न करे। यहाँ क्या है कि केवल उनके 2 महीने बाकी हैं और उनके 3 टर्म पूरे हो रहे हैं, चौथा टर्म वो लड़ भी नहीं सकते। उन्होंने कह दिया कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, इवन सीबीआई तक से जांच कराने के लिए तैयार हैं। तो 2 महीने में क्या प्रभावित करना है, वो कोच को भेजते हैं, मैनेजर को भेजते हैं, 2 महीने के उनके टर्म में जो भी आगे कंपटीशन हो रहा है उसमें ऑलरेडी कोच मैनेजर सब डिसाइड हो गए हैं।